हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गर्भावस्था के दौरान कभी कभी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बहुत सारी जो लार टपकती है, मुँह में बार बार थूक आता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, ऐसा लगता है कि बार बार आप थूकते रहें और आपका मुँह हमेशा वाटरी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमारे जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में हमारे मुंह से बहुत अधिक थूक बनता है या लार आती है, तो उसी के कुछ कारण और उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये लार आना या बार बार थूक आना हार्मफुल है, ये सारी ही बातें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, जब एक महिला गर्भधारण करती है तब वह अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को महसूस करती रहती है। उनमें से एक परिवर्तन है कि जब भी वो फ्री होती है, कुछ भी खाती है या उसको खाने का मन नहीं करता, तो उसके मुंह में सलाइवा का उत्पादन बहुत अधिक होता है। चिकित्सीय हम यानी मेडिकल टर्म में हम उसे कह सकते हैं टाइलिज्म ग्राविडारम या पित्तवाद ग्राविद्रुम कहा जाता है। ये आमतौर पर अपने आप ही होता है और मॉर्निंग सिकनेस या फिर हार्मोनल स्तर पर उतार चढ़ाव के कारण ये चेंज होता रहता है। तो हम बात करते हैं कि क्या गर्भावस्था में अत्यधिक लार बहना नॉर्मल है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मुंह से लार बार बार आ रही है तो ये एक कम्प्लीटली नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। नॉर्मली पूरे दिन में एक प्रेग्नेंट लेडी की 600 मिलीलीटर तक लार उत्पन्न हो जाती है। सुनने में थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है कि क्या वाकई में इतना हो सकता है, बट ये ट्रू है क्योंकि हम इसे लगातार निकलते रहते हैं। गर्भावस्था के दौरान लार की मात्रा बढ़ सकती है या निकलने की प्रवृत्ति भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से यह महसूस होता है कि लार अधिक बनने लगी है। कुछ महिलाओं को जब उल्टी आती है, वॉमिट जैसा महसूस करती है, तो उनके मुँह में बहुत ही तेज़ी से लार बनती है। ऐसे मामलों में लार की वजह से वे थूकने और जैसा महसूस करती हैं, ठीक है, जैसे उनको थूक आ रहा है या लार आ रही है, तो जब हम किसी प्रकार को जैसे टैबलेट लेने वाले हो या कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ऐसे में हमारा मुंह पूरा पानी से भर जाता है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये कब प्रारंभ होती है, कब से स्टार्ट होती है लार बनना, कुछ लोगों का मानना है, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में एक लक्षण के रूप में लार में वृद्धि एक प्रबल संकेत देती है, लेकिन लार का बहुत अधिक मात्रा में गर्भावस्था के दूसरे से तीसरे सप्ताह के आसपास शुरू हो जाता है। यानी लार जो बनती है आपके दूसरे से तीसरे सप्ताह में बनना शुरू हो जाती है और पहली तिमाही के अंत के लगभग बहुत कम हो जाती है। कुछ महिलाओं के लिए ये लार बनना पूरी प्रेगनेंसी में बना रहता है। कुछ लेडीज़ के ऐसा होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में जो आपकी अर्ली स्टेज होती है उसमें ज़्यादा बनती है, फिर कम हो जाती है। किसी किसी के मिड स्टेज में स्टार्ट होती है, किसी किसी के लास्ट में। लेकिन इसमें कोई आपको इसमें घबराना नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबके जो प्रेगनेंसी होती है अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आती है, सबके प्रेगनेंसी के अलग अलग सिम्टम्स होती है, ठीक है। अब गर्भावस्था में लार बनने के क्या कारण हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। एक गर्भवती महिला के शरीर में जब हार्मोन बहुत जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका चेंज होते हैं, उनमें बदलाव आते हैं, जिसके वजह से अत्यधिक लार बनना स्टार्ट हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस और जो हमें वॉमिट होती है एक सामान्य प्रवृत्ति है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये प्रेगनेंसी में। ऐसी सिचुएशन में भी लार बनती है, निकलती है, क्योंकि वह स्वाद उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं हमें कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, यहाँ तक कि अधिक जो वॉमिट होती हैं वो हमें इन्हीं कारणों से होती है, क्योंकि हमारा जी में चलता है, मुंह में थूक आने लग जाता है और हम वॉमिट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक जो वॉमिट आने का कारण है वो लार भी होती है। गर्भाशय बच्चे के विकास के लिए बढ़ता रहता है और इससे पेट पर भी दबाव पड़ता है। और होता क्या है कि बढ़ते पेट में मौजूद आहार को ग्रास नली में वापस से पुश ऑन करता है, पीछे की ओर धकेलता है। इससे हमें क्या होता है, हमें गैस बनती है और जलन जैसा हमें सीने पर लगता है। शारीरिक रूप में जठर के अम्ल और जलन को शांत करने के लिए ग्रास नली ग्रंथियों द्वारा अधिक लार का उत्पन्न करती हैं। यदि गर्भवती महिला मुंह के किसी भी इन्फेक्शन जैसे दांत की सड़न, कैविटीज, ऐसे किसी रोग से पीड़ित है
तो ऐसी स्थिति में लार बढ़ जाने और अत्यधिक हो जाने की सिचुएशन हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ पॉइजन रसायनों के संपर्क में आने से भी शरीर से सामान्य से अधिक लार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। किसी जैसे हम प्रेग्नेंट होते तो किसी प्रकार की जो टैबलेट्स हैं जो कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, या किसी प्रकार की टैबलेट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम लेते हैं, जैसे एंटीकॉन वेलसेंट, लिथियम, ट्रैक्विलाइजर इत्यादि, लार ग्रंथियों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए जानी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अत्यधिक लार का उत्पादन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लार बनने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, अधिक लार जलन पैदा कर सकने वाले पेट के किसी भी अम्ल को सीधे बेअसर करती है। विटामिन की आपूर्ति करने वाली खुराक के कारण मुंह सूखने का अनुभव हो जाता है, तो लार मुंह में चिकनाई बनाए रखने और उसे गीला करने में बहुत मदद करती है। लार का मुख्य कार्य यह है कि पाचन प्रक्रिया को मुंह से ही शुरू कर देता है, जिससे पेट और आंतों को आसानी से भोजन को पचाने में मदद मिलती है। मुंह में लार उस जीवाणु के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव है जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरीके से लार बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करती है। अब गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक लार यदि बन रही है तो उसको किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करें, उस समस्या का कैसे उपचार करें। देखिए, अपने आहार का आप पुनर्निर्माण करें ताकि आप उन खाद्य पदार्थों को दूर कर सकें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है या जिसमें स्टार्च अधिक होता है। अपने जो डेंटिस्ट की पास जाएं और अपने मुंह में मौजूद किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन की जांच करवाएं। कुछ मसूड़े संबंधी समस्याएं जो होती हैं लार के अत्यधिक उत्पादन का कारण भी हो सकती हैं। बार बार या फिर एक शॉर्ट टाइम पीरियड में छोटे छोटे भोजन आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है या फिर एकदम ही नहीं आपको खाना है। बीच बीच में पूरे दिन में आप माउथ वॉश का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लार है जो सलाइवा है वो कंट्रोल रहेगा। अपने मुंह को वाटरी रखने के लिए ढेर सारा पानी पिए, यह लार को कंट्रोल करता है। लार को निगलने में मदद करने के लिए चीनी रहित गम या टॉफ़ी को चबाएं। बर्फ का एक टुकड़ा लें और उसको कुछ समय के लिए चूसें, आपका मुंह सुन्न महसूस करेगा और कुछ समय के लिए लार का उत्पन्न जो कम लार को वो प्रोड्यूस करेगा। अपने आहार में बहुत सारे कुरकुरे और रेशेदार फलों और सब्जियों को चुनें। लार को कम करने के लिए नींबू या अदरक को चबाने की कोशिश करें। इसके लिए अपने जो भी डेंटिस्ट हैं उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। यदि लार है सलाइवा है, उसके निगलने से आपको मितली जैसा आता है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिट हो रही है, तो आप उसको बराबर थूकते रहें, उसको मुँह में नहीं रखें। आप कुछ भी बिस्किट्स खाते रहें जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मुँह सूखा सूखा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मुँह में मतलब कड़वापन लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको थूक आ रहा है, तो कुछ खाएं, कुछ च्यूइंग करें। आप बिस्किट्स ले सकते हैं, आप स्नैक्स ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक आपके सलाइवा को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से आप अपने सलाइवा को कंट्रोल कर सकती हैं। एंड में आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सलाइवा आ रहा है या थूक बार बार आ रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है और हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये थोड़ा बहुत आता रहता है, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप माय डियर मॉम्स ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट हफ्ते के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।